जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज पेंट सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमने पहले मतलब महीने पर डिस्कस किया था। पेंट सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, बिजनेस मॉडल का नाम है एशियन पेंट, जो हमने डिस्कस किया था कि अभी इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है, एक मेजर सपोर्ट है वहाँ पर आने पर अपन बाइंग कर सकते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट लेवल आ चुके हैं, अब कौन से इम्पोर्टेंट लेवल है उसको हम डिस्कस करेंगे और किस तरह से वहाँ पर अपने को कोई भी बाइंग टीआरसी पे अगर मेजर सपोर्ट के पास में वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में बनते हैं तो वहाँ पर एक अच्छा रिस्क रिवार्ड हो सकता है। उसके बिजनेस मॉडल को फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर वहाँ से रिवर्स होता है तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ तक एक आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप उसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक के बारे में डिस्कस किया, इनके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस किया। आप इस स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपने टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। ये एशियन पेंट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आपने डिस्कस किया था दोस्तों लगभग मतलब का आपको बता दूं जनवरी में लगभग किया होगा, जनवरी या फरवरी मतलब फरवरी के स्टार्टिंग में किया होगा, लगभग एक महीना हो चुका है जब शायद मेरे हिसाब से इस लेवल पर था, 29 के लगभग था। तो ये एक बार थोड़ा देखिए, यहाँ डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना था और प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आके हमने यहाँ से सपोर्ट लेने की बहुत ही कम चांस है। तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल, ये सपोर्ट लेवल हमने डिस्कस किए थे कि यहाँ का लगभग आ सकता है, एक जोन टाइप बनाएंगे हम। तो इस लेवल के लगभग देखो दो तीन दिन में भी अच्छी देखो ऊपर की तरफ, ये क्या है कि मार्केट आपको ट्रेप करता है किस तरह से। मान लीजिए यहाँ पर एक सपोर्ट था, सब सोच रहे हैं कि सपोर्ट यहाँ से पहले रिवर्स हुआ है तो अब की बार भी रिवर्स होगा तो यहाँ से कोई बाइंग अपन देख लेंगे, कोई जैसे एक प्राइज एक्शन होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, तो वहाँ से अपन बाइंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एग्जैक्ट अपन देखेंगे तो इसका सपोर्ट ये नहीं था, एक तो ए से लो बना था, एग्जैक्ट सपोर्ट की बात करें तो ये सपोर्ट बनेगा जहाँ पर अपन बाइंग कर सकते हैं। अब इसको देखिए, पहले इसको चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल देखिए, मार्केट में लिस्टेड पहले अपट्रेंड है, अपट्रेंड को अपन डिस्कस करते हैं कि अपट्रेंड का आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं, ये जो लो बनते हैं इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात है। और फिर ऊपर की तरफ एक कोई ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, नीचे की तरफ इस तरह से कर सकते हो, तो अपने को आइडेंटिफाई करना होता है कि अपट्रेंड में इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए दूसरा होता है मतलब डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में क्या होता है, एक मतलब पहली एक बार रैली देगा, डाउन ट्रेंड भी कब आएगा, ऐसा नहीं कि डाउन ट्रेंड मतलब अचानक आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा, डाउन ट्रेंड कब आएगा जब एक अच्छी रैली देगा और फिर बाद मतलब कोई स्टॉक 5 गुना 10 गुना हो गया और फिर बाद में नीचे की तरफ उसका डाउन ट्रेंड, मतलब दिन है तो रात आनी है यहाँ पर, ठीक है। तो वो डाउन ट्रेंड यहाँ पर आपको सिग्नल मिल जाएंगे, इस तरह से डाउन ट्रेंड का सिग्नल मिल जाएगा और यहाँ से डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होते हैं, जिस तरह से अप ट्रेंड का अपन देखा कि हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न होते हैं, उसका डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होते हैं। अब इसको देखो सिंपल समझते हैं, अब ये टेक्निकल लैंग्वेज वर्ड हो गए, स्टार्टिंग में किसी को अगर नहीं हो तो नहीं पता चलता, लेकिन मैं देसी भाषा में सीधी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। ये मान लीजिए छत है, ठीक है, छत है तो छत पे क्या है, मान लीजिए ये छत है, थोड़ा सा लिखने छत है, तो यहाँ से अपने को जाना है तो इस तरह से अपन जाएंगे, इस तरह से जाएंगे, वापस आएंगे तो इस तरह से वापस आएंगे। तो ये छत पर चढ़ने के किस तरह से स्टेप होगा, अपने स्टेप होगी एक पैर नीचे रहता, एक पैर ऊपर जाता, एक पैर नीचे एक ऊपर, इस तरह से वो ऊपर की तरफ जाता है। फिर होता है कि इसमें डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में क्या होता है, यहाँ टॉप एक, फिर बाद में, अब मान लीजिए पहली चीज़ तो ये, मान लीजिए छत पर कोई इंसान घूम रहा है यहाँ पर, तो कोई पता थोड़ी चलेगा भाई वो कब नीचे आएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पता कब चलेगा, जब वो यहाँ से जो लास्ट सीढ़ी में चढ़ा था ना, ये सीढ़ी थी, उस पर कोई नीचे की तरफ आएगा, कोई मतलब पैर रखेगा या कह सकते हैं नीचे की तरफ पैर रखे, और पैर रखने पर अपने को पता है कोई भी अपन पहली सीढ़ी पर ही जैसे पैर रखते हैं तभी अपने को पुश ज़्यादा होता है, और मतलब नीचे ऊपर से यहाँ पर रखेंगे तो भी अपने को एक झटका से टाइप करेगा, वो झटका दोस्तों कौन सा है, यहाँ पर कोई सेलिंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, सेलिंग टीआरसीपी मतलब यहाँ की कोई रेड कैंडल बन जाएगी यहाँ पर, और वो पेयर रखेंगे तो बाद में मान लीजिए ना कि मान सकते हो कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड वापस स्टार्ट हो सकता है। इसमें बाद में वापस सीढ़ियों से इस तरह से आएंगे, ये सीढ़ियाँ हो गई, अब बोल दिया जाए कि भाई ये इधर नीचे घूम लिया, फिर उसको बोल दे भाई ऊपर वापस चला जा, तो ऊपर वापस चलने का तरीका क्या होगा, यहाँ से वो पहले एक बार यहाँ रेस्ट करेगा, आया तो रेस्ट करेगा, ऊपर जाया तो ऊपर भी रेस्ट करेगा, और रेस्ट करने के बाद में यहाँ रुकेगा, रुक के फिर बाद में ऊपर जाएगा। तो ऊपर किस तरह से जाएगा, वो जो पहले लास्ट में था ना, लास्ट की जो सीढ़ी थी ना, लास्ट वाली सीढ़ी थी, तो उस पे पैर रखेगा, तब अपने को पता चलेगा ना भाई कि हाँ ये ऊपर जा रहा है, बस सेम सिस्टम यहाँ, उसको अपन लोअर टॉप पैटर्न बोलते हैं, ब्रेकआउट बोल देते हैं। ये इस तरह से डाउन ट्रेंड साइडवेज उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तीसरा होता है साइडवेज, साइडवेज में क्या होता है, एक सपोर्ट लेता है, एक सपोर्ट यहाँ ले लेता है, एक सपोर्ट यहाँ ले लेता है,
और यहाँ पर एक कंसोलिडेट हो जाता है, वो इस तरह से कभी ऊपर जाता है कभी नीचे, एक कभी एक यहाँ से पहले सपोर्ट ले लेता है, कल यहाँ से ले लेता है, यहाँ से ले लेता है, इस तरह से कोई या तो रेक्टेंगल पैटर्न बना देता है या ट्रेंगल पैटर्न बना देता है, इस तरह से साइडवेज में रहता है। तो उसमें केवल अपन स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें कोई अच्छा मूवमेंट ना आने की पॉसिबिलिटी कम है। अब देखिए इसको अपन चार्ट की बात करें तो यहाँ पर देखो अप ट्रेंड था, एक बार भी अपने लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेक नहीं किया, सपोर्ट आया वापस आया, यहाँ पर देखो इसने ब्रेक कर दिया था। अब ब्रेक कर दिया तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ ये मैं लग लो, ठीक है। अब ये ब्रेक कर दिया यहाँ पर देखो इस लेवल को, यहाँ पर इसने ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद वापस चला गया, ये ट्रेप कर रहा था मार्केट, ये सारा ट्रेप कर रहा था सिस्टम, है ना। ये ऊपर की तरफ गया, कहीं सपोर्ट पहले वाले सपोर्ट ले गए, साइडवेज होगा तो इस तरह से ही तरीका होता है साइडवेज होने का, वो एक पैटर्न बना ले, एक जोन बना लेगा, जोन के अंदर ट्रेड करता रहेगा। तो अब इसकी बात करें तो वो देखते हैं, देखिए डाउन ये मतलब न तो अप ट्रेंड में है न डाउन ट्रेंड में, एक साइडवेज कंसोलिडेट फेज है, तो उस डाउन ट्रेंड को अपन रेंज एक डिक्लेयर कर लेते हैं, ये एक इसका मेजर सपोर्ट है। दूसरा एक यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट ये है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिए। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो एग्जैक्ट तो यहाँ पर हुआ नहीं, अब देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ सपोर्ट मिला, यहाँ सपोर्ट मिला, यहाँ सपोर्ट मिला, तो ये सपोर्ट मिलने के तरीके हो गए। अब एक यहाँ पर सपोर्ट ली, अब यहाँ से आ गया तो पहले कोई रिवर्स हो गया, वहाँ से आ गया। अब एग्जैक्ट बात करें तो इस लेवल पर अब देखो एग्जैक्ट तो होगा नहीं यहाँ पर, अब मैं एक जोन टाइप का बना देता हूँ, इस जोन के अंदर होना चाहिए जिस तरह से ये। अब देखो जोन मैंने किस तरह से डिक्लेयर किया, अब जोन को बनाने थे, मान लीजिए मैंने एक तो पहले यहाँ का एक सपोर्ट ले लिया था, ठीक है, ये सपोर्ट ले लिया, एक इसका हाई यहाँ से रिवर्स हुआ था वापस, तो ये मैंने एक जोन टाइप का बना दिया। अब इस लेवल के अंदर अब थोड़ा नीचे भी आ सकता है, देखो एग्जैक्ट तो कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ इस लेवल इस जोन के अंदर, ठीक है, इस जोन तक कोई भी वीकली या मंथली टाइम फ्रेम, ज़्यादा प्रिफ्रेंस होगी मंथली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग टीआरसीपी बन जाता है तो वहाँ से अपने बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, अभी बनी नहीं है ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सी कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, अब यहाँ पर बाउंस आया है थोड़ा, आज देखिए मतलब मूवमेंट आया है तो हो सकता है थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है यहाँ से। अब या तो क्या होगा, देखो जोन के अंदर एंट्री कर गया है, ठीक है, लेकिन जोन के अंदर यहाँ पर पहली बात, अगर यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बन जाता है, ठीक है, बाइंग टीआरसीपी सेलिंग टीआरसीपी इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं दोस्तों। फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं लाइव आता हूँ 8 से 10 बजे के बीच में, हम जिसमें डिस्कस करते हैं स्टॉक के बारे में, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक, सभी लगभग स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सभी सेक्टर के स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और जो भी साथी जुड़ते हैं अपने सवाल भी पूछ सकते हैं उसमें हम, जैसे कोई आपका सवाल हो कोई सेक्टर का तो उसमें चार्ट को रीड करने की कोशिश है, कोई रिकमेंडेशन वाला सिस्टम होता नहीं है, चार्ट को प्राइज एक्शन को रीड करने का होता है, और संडे को होता है तो संडे को मैं जैसे लाइव आता हूँ 8-10 से, तो उसमें हम डिस्कस करते हैं केवल स्टॉक, जैसे हाँ उसमें डिस्कस करते हैं बाइंग टीआरसीपी सेलिंग टीआरसीपी जो पैटर्न बनते हैं, जो हमारी दो क्लास तो हो चुकी है, तीसरी भी हो चुकी है, ठीक है, तीन क्लास हो चुकी है उसकी, जो पहले हमने डिस्कस किया था, पहली चीज बेसिक शेयर मार्केट क्या होता है, फिर बाद में शेयर मार्केट क्यों बना है, इसमें कंपनी आती है तो क्या इंटेंशन रहता है, NSE और BSE देख आढ़त वाली जो हमने एग्जांपल लिया था, आढ़त की दुकान होती है जिस तरह से किसान लोग जानते हैं कि वहाँ पर आढ़त क्या होती है जहाँ मंडी में अपन सामान ले जाते हैं, तो आढ़त की तरह एक्सचेंज होती है। फिर बाद में अपन डिस्कस करते हैं कि बाइंग ट्रेंड के मतलब के टेक्निकल चार्ट एनालिसिस होता क्या है, टेक्निकल चार्ट पहले जो हिस्ट्री में हो चुकी है, जैसे पहले हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग लोग थे बता देते थे कि यहाँ अब आने वाले समय में बारिश आ सकती है, आज बारिश आ सकती है, उत्तर की साइड में अगर बिरका बोलते हैं जैसे बादल घने कोहरे हो जाते हैं तो कोई बारिश आ सकती है, तो वो चीज़ें टेक्निकल चार्ट ही उनके पास में कैसे पता चल जाता है, सबको उनको टेक्निकल चार्ट है क्योंकि टेक्निकल चार्ट पहले की हिस्ट्री को रिपीट करता है, तो वो उस तरह से हमने पहली क्लास में पढ़ा था। दूसरी में बाद में पहली में बाद में हमने बाइंग टीआरसीपी पढ़ी थी, कोई स्टॉक को बाय करते हैं तो क्या तीन कंडीशन होनी चाहिए, उसका डाउन ट्रेंड होना चाहिए, कोई सपोर्ट पर होना चाहिए, कोई बाइंग टीआरसीपी होनी चाहिए, ये होता है। प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो हम केवल अभी स्टार्ट किया है तो केवल स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया है तो वहाँ पर क्या है कि अपने को रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उसको अपन स्टेप बाय तरीका सीखने का वही होता है। फिर अपन दूसरी क्लास में हमने सेलिंग टीआरसीपी के बारे में डिस्कस किया और तीसरी क्लास में हम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, 4-5 पैटर्न हो गए, 13 पैटर्न है वो, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह। अब देखिए ट्रेंगल पैटर्न बनता है तो ट्रेंगल पैटर्न की भी कोई कंडीशन होनी चाहिए, अब किसी ने बोल दिया कि डबल बॉटम पैटर्न बनना चाहिए तो डबल बॉटम पैटर्न की भी कंडीशन होती है, तीन तरह के डबल बॉटम पैटर्न होते हैं, तीन तरह के डबल टॉप पैटर्न होते हैं, कौन सा काम कर सकता है उसके बारे में डिटेल से हमने सब में डिस्कस किया, आप जाके देख भी सकते हो, पहली क्लास तीसरी क्लास में है उसमें और लाइव वाले में जाके प्ले लिस्ट में देख लें, चौथी
क्लास होगी इस संडे को, जो आगे जैसे ट्रेंगल पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न, बाद में हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, सारे हम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बाद में कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट हुआ, वो सारी डिटेल इसके बाद तो जुड़ सकते हो उसमें। ये थोड़ा सी मैं ज़्यादा बोल दिया, उसका चीज़ को ध्यान रखना, सॉरी उसके लिए मैं डिटेल से बताना चाह रहा था कि भाई अब देखिए इस अब वीकली टाइम फ्रेम आ गया तो ये जोन बन गया, तो जोन के अंदर कहीं भी बन सकता है। देखो एग्जैक्ट फिक्स नहीं होती चीज़ें। अब यहाँ पर कोई भी अपने को बाइंग टीआरसी भी बनता है। एक किसी स्टॉक को बाय करने का क्या तरीका होता है, पहले एक डाउन ट्रेंड होगा, दूसरा कोई सपोर्ट होगा, तो सपोर्ट हमारे पास में ये जोन बन गया और यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसी भी बन जाता है तो अपन बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही ऊंचा, वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा नीचे भी आ सकता है, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में। अभी आप थोड़ा वेट कीजिए, जल्दबाजी नहीं, वेट कीजिए, और यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसी भी बनता है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। ये इसका देखिए और देखेंगे, इससे पहले थोड़ा सा इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, फंडामेंटल भी देख लेते हैं। देखिए बिजनेस मॉडल एशियन पेंट है, आपको सबको पता है कि पेंट का ये लीडिंग कंपनी है और इसमें देखो पेंट अलग, अब अपन जानते हैं कि देखो पेंट के बारे में जानते हैं तो एशियन पेंट को इतना ही जानते हैं कि ये घरों में पेंट करने के लिए काम आता है। अब कौन कौन से तरह के पेंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका देखिए, पेंट की बात करें, एक्सप्लोर पेंट की बात कर लेते हैं इसमें, एक सेकेंड, कलर केटोच ठीक है, और थोड़ी सॉरी दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, ये देखिए इसमें पेंट में क्या है, एक तो कलर कैटलॉग, बाद में इंटीरियर टेक्सचर मतलब अंदर के लिए, बाद में एक्सटीरियर वॉलपेपर में करते हैं, होम कलर गाइड वाला करते हैं, पेंट प्रोडक्ट में इंटीरियर पेंट, एक्सटीरियर पोर्ट वॉल, वाटर प्रूफिंग, वुड पेंट, मेटल पेंट, ब्रश एंड एसेलरीज, एडेसिव। अब देखिए मैं इसका इनका सब मैं कंक्लूजन बता देता हूँ कि घर के बाहर की दीवार होती है उसको अलग पेंट होता है, अंदर की पेंट होता है वो अलग होता है, वाटर जब प्रूफिंग मतलब वाटर ज़्यादा पानी मतलब गिरता है बरसात में, दीवारें कभी देखें ना आपने ब्लैक हो जाती है तो वो मतलब ब्लैक नहीं होती, उसे वाटर प्रूफ वाला पेंट अलग होता है, वो हो गया। फिर बाद में लकड़ी के लिए पेंट होता है, बाद में दूसरा मेटल की धातुएं होती है उनको अलग पेंट होता है, ठीक है, ब्रूस वाला एसेलरीज होती है उस तरह की, उसमें ये काम में करते हैं। तो पेंट सेक्टर को इसमें पूरा कवर कर रखा है ये, इसका आप साइट पे जाके और भी इसमें सर्विसेज, पेंटिंग सर्विस, इंटीरियर डिजाइन सर्विस, ये भी डिजाइन भी तैयार करते हैं पेंट सेक्टर, अलग अलग यहाँ के इनके पेंटर होते हैं, वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन वाला करते हैं, देखो मॉड्यूल किचन का भी करते हैं, बाथरूम डिजाइन मतलब सारे बाथरूम को किस तरह से डिजाइन किया जाता है ये सारी चीज़ें। देखो ज़्यादातर तो अपन तो घरों पे नहीं करते इतना, लेकिन बड़े बड़े लोग होते हैं वो सीधी सी बात है वो उनको चौचले चाहिए इसमें किचन में इतना, अपन तो एक ही पेंट कर देते हैं, और बड़े बड़े लोग होते हैं तो वो बाद में उनके पास पैसे होते हैं तो वो उनको पूरी तरह से कर देते हैं, तो अपन एक सिंपल पेंट करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब इसका देखिए मार्केट कैप देख लेते हैं, मार्केट कैप कितना है, 2,27,014 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें 2,815 है, हाई गया इसका 3,568 है, लो गया 2,706 है, स्टॉक भी है 49 है, अब बुक वैल्यू है 173 है, डिविडेंड भी थोड़ा बहुत देती है, आरओसी इसका 34% है, आरओई इसका 27% है, फेस वैल्यू इसकी 1 है। ये आपको सबको पता होगा चीज़ें क्या होती है, कभी मैं डिस्कस में डिटेल से भी बता देता हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अपन जब दे 18 ईयर का कंपनी को एक्सपीरियंस है, ब्रांड एशियन पेंट, बर्जर पेंट, एपको इत्यादि, एम्ब्रा, ये मतलब ये उसकी दूसरा भी कंपनियाँ, देखिए इंडिगो कैंप भी आया था, एक इंडिगो पेंट भी है, वो भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया इंपोर्टेंट लेवल के बारे में। अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट सेल कितनी हुई है, सेल जून सितंबर दिसंबर। अब देखो कई बार ऐसे हो जाता है कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते हैं फिर भी डाउन हो जाता है। देखिए सेल एक्सपेंडिचर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो जून सितंबर का 9182 है, बाद में 8479 है और 9103 है, तो मतलब पहले वाले सितंबर से बढ़ के आए। फिर एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो एक्सपेंडिचर 7061 है, बाद में 6782 है, 7047 है, तो ये एक्सपेंडिचर हो गया। फिर अपन बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पर 1575 था, बाद में 1232 था और अभी 1475, अब 14 इससे बढ़ गया है फिर भी स्टॉक नीचे आ रहा है, ठीक है, तो वो सपोर्ट पर एक बार नहीं आएगा तब तक इसमें, और देखो पहले वाले से कम बोल सकते हो लेकिन पहले इससे तो बढ़ा है। अब इसका एक थोड़ा सी लोचा रहता है मतलब चौचला रहता है उसको देख लेते हैं। देख 194 मतलब अदर इनकम का भी आपको देखना जरूरी है, 194 है अदर इनकम जो, और बाद में ये 186 है, तो ये तो थोड़ा बहुत ही कम हुआ है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखिए बैलेंस शीट की बात करते हैं, इक्विटी कैपिटल रिजर्व 96 का इक्विटी कैपिटल है, रिजर्व इसकी बात करें 16,466 है, बोरोइंग कर्जा की बात करें तो 23,27 है ये इसका कर्जा मान सकते हो,
और फिर बात कर लेते हैं अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर के पास में होल्डिंग 52 है, एफआईएच की होल्डिंग 17% है, डीआईएच की होल्डिंग 10% है और गवर्नमेंट की बाद में 0% के लगभग है और इसमें लोगों अपन जैसे लोगों की है पब्लिक है वो 19% के लगभग है और 19,75,000 लोगों के लगभग इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। ये इसका फंडामेंटल देख लिया, वापस अपन आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट पे। तो टेक्निकल चार्ट पे देखिए वापस अगर इस पर सबसे सीधी सी बात ध्यान रखिए, सपोर्ट यही है, इससे रिवर्स करना चाहिए, नहीं करता है तो फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। लेकिन इस जोन का ध्यान रखना, ये जोन है यहाँ पर आप, ये मैंने एक तो इसका सपोर्ट लिया, एक यहाँ का जो ऊपर हाई था इसको जोन मिला दिया, तो यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसी बनता है तो यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। ये थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ सकता है एक बार, थोड़ा ध्यान रखना है ना, इस लेवल तक आके भी रिवर्स होए कहीं तो भी, कहीं भी मतलब कि टच करके कोई बाइंग टीआरसी बने तो बाइंग कर सकते हैं। फिर ये बाद में एक बार ऊपर यहाँ तक जाना चाहिए, 3400 तक जाना चाहिए, ठीक। अब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी लेवल सही है तो आप इस स्टॉक को देख सकते हो। कंक्लूजन वीडियो का निकाले तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिवर्स होना चाहिए और फिर बाद में यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर आप देखोगे कि डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनेगा। डबल बॉटम पैटर्न किस तीन तरह के पैटर्न होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस किए, कौन सा काम करता है ये भी ध्यान रखना। ये जो तो दूसरा काम करता है ना, तीसरे वाला उसके बारे में ये तीसरा पैटर्न है, ठीक है। डबल बॉटम पैटर्न किस तरह से काम करते हैं तो उसको आप बाद में इसमें, अब देखो अब की बार यहाँ के पास आ जाए इस रेजिस्टेंस को, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तो पॉसिबिलिटी है कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। आगे जब ब्रेक करेगा तब हम तो उसको बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते, मेजर सपोर्ट यही है, यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों आप किसी भी स्टॉक के बारे में नॉलेज चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उस बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।